हाय डियर फ्रेंड्स, हाय। जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा था कि हमने आपको सूर्यनगर के बी ब्लॉक के पार्क की मेन गेट व भोले बाबा के दर्शन कराए थे, और हमने आपसे कहा था कि जो बी ब्लॉक के जस्ट सामने जेडी हॉस्पिटल है, तो हम इसी बात को देखते हुए आपके लिए सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सूर्यनगर का पार्क कैसा दिखता है और वो कैसा है, रंगीन है, तरीका वाला है। आप उसे देखिए और हमारे साथ चलिए। तो चलिए चलिए, हम आपको ले चलते हैं सूर्यनगर के बी ब्लॉक के पार्क की सैर। चलिए, तो चलिए फ्रेंड, हम आपको ले चलते हैं सूर्यनगर के पार्क की ओर। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको सूर्यनगर के बी ब्लॉक पार्क में सबसे पहले जो चीज दिखाना चाहते हैं वो ये है। ये सूर्यनगर का पहला स्विमिंग पूल है। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बहुत ही लाजवाब हुआ करता था, पर यहाँ छोटे छोटे बच्चों की भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर इसमें पानी नहीं भरा जाता है, क्योंकि कोई बच्चा इसमें डूब के मर भी सकता है, इसलिए इसमें पानी नहीं भरा जाता। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये कुर्सियाँ देख रहे हैं, ये सूर्यनगर के बी ब्लॉक के पार्क के हर कोने में विस्थापित की गई हैं, जिस कुर्सियों पर वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं यहाँ पर आके विश्राम करते हैं, और यहाँ की जो पेड़ की छाया है उसके नीचे आके अपना पंसा महसूस करते हैं, और कभी कभी तो कोई लोग यहाँ पर सो भी जाते हैं। चलिए आगे दोस्तों, जो आप ये खंभा देख रहे हैं, ये सूर्यनगर के बी ब्लॉक के पार्क में हर जगह लगाए गए हैं, जिससे कि रात में कोई भी दुर्घटना हो तो लाइट्स ऑन रहती हैं तो देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और देखते हैं सूर्यनगर के पार्क के बारे में कुछ खास। देखिए यहाँ पर ये ब्रेंचेस हर जगह लगाई गई हैं, यहाँ पे भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं। देखिए आप, ये जो आप बड़ा सा गोला देख रहे हैं, ये भी सूर्यनगर का सेकंड स्विमिंग पूल है। इसमें बच्चों की वजह से ही पानी नहीं भरा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड, आप ये जो देख रहे हैं सूर्यनगर का पार्क, आप मैं जो इस स्विमिंग पूल के बीच में हूँ, यहाँ से पूरा पार्क दिखाई दे सकता है। इस पार्क में रोज़ सुबह शाम लोग रनिंग के लिए भी आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। ये देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ सब रनिंग करते हैं। ये पूरा पार्क 400 मीटर का है, यहाँ लोग अपनी अच्छी जॉगिंग वॉगिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको सूर्यनगर के बी ब्लॉक के पार्क की सैर कराई थी, हमने आपको स्विमिंग पूल और कुछ छोटे मोटे चीज़ें दिखाई दी थी, और हम आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग बाग आके सुबह के टाइम जॉगिंग करते हैं और यहाँ पर ऐसे लटका करते हैं। तो आज हम भी लटक रहे हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए आप। तो आप भी यहाँ पर आके लटकिए और मौज करिए। आपको एक नमूना दिखाना चाहते हैं यहाँ पर लटकने का। 1, 2, 3 और ये 5 से फिसल पट्टी पे झूल रहे हैं। तो कैमरा विजय मैन जी, कृपया घुमाइए। देखिए यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं, तो आप इनका नाम भी पूछ सकते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सुबह सिंह नाम है इस लड़के का। और आपका? राकेश सैनी। इसका नाम राकेश सैनी। और आपका? अंकित नाम है। देखिए ये झूल भी रहे हैं, कृपया आप झूल के दिखा देंगे एक बार? चिकन बन गई, कितने मस्त हवाएं लग रही हैं यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देखिए पेड़ कितने मस्त हैं।